How are you? I hope you all are fit and fine. Children, today we will start द्वादशा पाठा गीता नवनीतम. आज हम लोग गीता नवनीतम यानी जो श्रीमद् भागवत गीता है उससे कुछ श्लोक इस आपके पुस्तक में लिए गए हैं उसको मैं आपको पढ़ाऊंगी और उसके अर्थ भी समझाऊंगी. सो ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक पेज नंबर 47 पार्ट 12 यानी द्वादशा पाठ गीता नवनीतम. ओके चिल्ड्रेन, सो ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक पेज नंबर 47. नाउ स्टार्ट. कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कत्फल हेतु भूमा ते संगो इस्त कर्माणि. ये श्लोक आप लोगों ने कई बार सुना होगा, बहुत फेमस श्लोक है ये. श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जिस समय युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में महाभारत का उस समय ये उपदेश दिया था और ये श्लोक उसी समय उन्होंने बोला था. इसका अर्थ मैं आपको समझाती हूँ. श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार कर्म में होना चाहिए, फल की इच्छा में नहीं. इसलिए कर्म फल के बगैर तुम्हारी आसक्ति कर्म में ही होनी चाहिए. संगो आसक्त, कर्माणि माने कर्म में, मां माने नहीं, है ना. तो हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार कर्म में होना चाहिए, फल की इच्छा में नहीं. इसलिए कर्म के बगैर तुम्हारी आसक्ति कर्म फल के बगैर तुम्हारी आसक्ति कर्म में ही होनी चाहिए. ये इसका अर्थ है. सेकंड श्लोक देखिए. त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मना काम क्रोध स्थिता लोभस्तम देतत्प्रियम त्यजति. इसका अर्थ देखिए. तीन प्रकार के त्रिविधम यानी तीन प्रकार के नरकस्येदम माने नरक नरक के तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं. कौन कौन से हैं देखिए. जो मनुष्यों का विनाश करते हैं, काम क्रोध और लोभ, है ना. काम क्रोध तथा लोभ इसका मतलब काम क्रोध और लोभ मनुष्यों को इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए. फिर इसका देखिए. तीन प्रकार के नर्क के द्वार हैं जो मनुष्यों का विनाश करते हैं, काम क्रोध तथा लोभ मनुष्यों को इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए. क्या देने माने त्याग कर छोड़. फिर देखिए तीसरा श्लोक देखिए. क्रोधा भवति तमोहा तमोहा नति विभ्रमः नति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रत्यति. अर्थात क्रोध से तमोह होता है, तमोह से स्मृति का संदेह होता है और स्मृति के संदेह से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से प्राण का सर्वनाश होता है. स्मृति माने होता है याद, यानी जो हम स्मृति करते हैं याद करते हैं. दृष्टा माने का नाश होना, बुद्धिनाश माने बुद्धि का नाश, बुद्धिनाश माने हमारी बुद्धि का नाश से प्राण का शक्ति विषाणु का नाश होता है. विशेषता के क्रोध से तमोह होता है, तमोह से स्मृति का संदेह होता है और स्मृति के संदेह से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से प्राणु का सर्वनाश होता है. नेक्स्ट देखिए तो क्रोध नैनम चिंदंती शस्त्रान नैनम दहति पावका.
नैना सुंदर है, इसका अध्यक्ष इस आत्मा को। सुंदर की माने तो काम और नैना माने इसको, इस आत्मा को ना सत्कार मन हत्या, इस आत्मा को ना हत्या काट सकते हैं, ना ही अग्नि इसे जला सकती है। द्रव्य माने जलाना, अपापा माने अग्नि, ना अग्नि इसे जला सकती है, ना चेना केवियर क्या हो, ना ही जल इसे गीला कर सकता है, डुबा सकता है, ना शोषित मानता, ना ही हवा इसे सुखा सकती है। शोषित माने सुखाना। इसे पूरा अर्थ देखिए, इस आत्मा को ना हथियार काट सकते हैं, ना ही अग्नि इसे जला सकती है, ना ही जल इसे गीला कर सकता है, और ना ही हवा इसे सुखा सकती है। स्टूडेंट आई होप चारों श्लोकों के अर्थ आपको याद आए होंगे, समझ में आए होंगे। आपको श्लोक भी याद करना है और उनके अर्थों को अच्छे से याद करना है। शेष जो श्लोक है उसमें वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। तब तक तो इन चार श्लोकों को अपनी कॉपी में लिखकर उनका अर्थ लिखकर अच्छे से लर्न करना है ना, और श्लोक भी याद करना। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।